हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज बनाते हैं पनीर टू प्याजा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी को। यहाँ पर देखिए, मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, 2 शिमला मिर्च हैं और प्याज, ये मैंने धुल के साफ़ करके रख दिए हैं। अदरक का टुकड़ा है और लहसुन है। अब इन सबको काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को 2 तरीके से काट के रखा है, बारीक वाला और मोटा वाला। यहाँ पर शिमला मिर्च भी मोटी मोटी काट ली है और टमाटर को प्यूरी बना ली है, छोटा छोटा भी काटा है। अदरक लहसुन कूट के रख लिया है। अब हम पनीर को काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने पनीर को भी काट के रख लिया है। अब जो मसाले हैं वो घोल लेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, मिक्स मसाला, रेड चिली पाउडर, ये पनीर मसाला है, इसे भी हम डाल देंगे, थोड़ा ही सही डालेंगे। पानी डाल के घोल के रख देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी थी। अब सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल गरम हो चुका है। अब जो शिमला मिर्च प्याज को काटा था उसे फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। यहाँ पर देखिए, हल्का सा सौते हो चुके हैं। अब प्लेट में निकाल लेते हैं सब। यहाँ पर देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में जो पनीर कटी रखी थी वो डाल देंगे। पनीर को भी हल्का सा सौते ही करेंगे, इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो जल जाए, बस कम आंच पे ही करेंगे। यहाँ पर हल्का सा सौते कर लिया है, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सरसों का तेल फिर से डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक दालचीनी टुकड़ा लिया है और काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग, जीरा डाल दिया है। जीरा को चटकने देंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भून लेंगे, अच्छे से भूनेंगे, एकदम गोल्डन कलर आ जाए। अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें कुटा हुआ, ये मिर्ची कटी रखी थी वो भी डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे सबको। अब जो मसाले घोल के रखे थे वो डाल देंगे। मसालों को भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया है। कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छे से भून के पकाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये जो टमाटर की प्यूरी रखी थी वो भी डाल देंगे। फिर से अच्छे से दोबारा से पकाएंगे। ये दूध की निकली मलाई है, इसे भी हम डाल देंगे। मलाई डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पर मलाई को अच्छे से भुनने देंगे। शिमला मिर्च प्याज जो सौटे करके रखे थे वो डाल देंगे। पनीर को भी डाल देंगे साथ में। अब सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस को कम कर देंगे। यहाँ पर 2 मिनट तक और पकाएंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। अब एक बार फिर से सब्जी कड़छी से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया है और देखने में जितनी अच्छी दिख रही है उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें सब्जी को निकाल लेंगे। ये देखिए, सारी सब्जी को बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप इस तरीके की सब्जी
एक बार बना लिए तो बार बार बनाने का मन करेगा, इतनी टेस्टी बनती है बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।